दोस्तों फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज और एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जरा एक बार डालते हैं नजर हम लोग। ओके, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू किरण जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुल फॉर्म आपके सामने लिस्ट में लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स की बात करें ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। टीसीपी आपका एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है ना, प्रोटोकॉल के बारे में। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस होता है। साटा जो होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, पता ही आप लोगों को अच्छे से है ना। रोम रीड ओनली मेमोरी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ठीक है। सीडी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। सीआरटी आपका कैथोड रे ट्यूब होता है। अब आपको पता है सीआरटी जो होता है वो एक मॉनिटर की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, मॉनिटर की बात कर रहा है सीआरटी है ना। और आपको भी पता है कि जो सीआरटी के साथ साथ टीएफटी भी होता है, एलसीडी भी होता है, एलईडी भी होता है एंड ओएलईडी भी होता है। आई एम आल्सो फाइन, इसका आंसर दीजिए जरा फटाफट लिख के बताइए। टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का क्या है, एलईडी का क्या है, ओएलईडी का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फटाफट नोट करके बताइए मुझे। आप लोग देर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है गाइस, पता है ना। चलो मैं बता देता हूँ, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर टीएफटी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी में आपका ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आपका ओएलईडी होता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, डीवीडी सीआरटी सीडी डीवीडी बीआरडी एचवीडी। सीडी के साथ साथ होगा ना एचवीडी भी होता है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सैप का फुल फॉर्म, देखो सैप का दो फुल फॉर्म होता है गाइस। एक सैप का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक सैप का मतलब होता है सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। तो एक सैप तो होता है सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल है ना, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। सर हुआ नहीं है, क्या नहीं हुआ है ठीक है। और एक तो आपका ये होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स ठीक है। पीएनजी आपका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओएलईडी जो होता है ना मॉनिटर का टाइप होता है, बोला था मैंने ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है ओएलईडी। मॉनिटर जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अलग अलग ना मॉनिटर यूज करते हैं, तो मॉनिटर ही तो होता है आपका ये सीआरटी हो गया, TFT हो गया, बताया तो मैंने आपको, LCD हो गया, LED हो गया, OLED हो गया, सब मॉनिटर ही होता है ना। IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। URL आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL के साथ साथ दोस्तों एक फुल फॉर्म और आप नोट कर सकते हैं, URL के साथ साथ URI, URI जो होता है वो क्या होता है, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म
रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका फुल फॉर्म किसका होता है दोस्तों? USB का होता है, ठीक है। USB की खोज किसने करी थी पता है आप लोगों को? USB की खोज किसने करी थी? भारत के ही रहने वाले, आपको अगर पता हो, इंडिया के ही रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने, मिस्टर अजय भट्ट ने किसकी खोज करी थी? मिस्टर अजय भट्ट ने यूएसबी की खोज करी थी, यूनिवर्सल सीरियल बस की। इसको आज पूरा दुनिया यूज करता है, यूएसबी है ना, एक ऐसा पोर्ट, यूएसबी पोर्ट नहीं होता हमारे लैपटॉप में, तो वो आपका यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म को फटाफट लिखते जाइएगा आप लोग, है ना। और जो समझ में ना आए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसको पूछिए आप लोग, जो भी समझ में ना आएगा ये उसको पूछिए आप लोग, है ना। आगे देखिए माय फ्रेंड्स, वायरस का फुल फॉर्म सबको पता है, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या होता है? फटाफट नोट करिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, है ना, वायरस। GIS का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। DDS का फुल फॉर्म डिजिटल डेटा स्टोरेज। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड। एक एक से दो नंबर क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, जान लीजिएगा। फुल फॉर्म जो आज बता रहा हूं मैं आपको, फुल फॉर्म फाइल एक्सटेंशन नेम और शॉर्टकट कीज, तो आपके एग्जाम में यहां से एक से दो नंबर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक प्रकार से पेपर आउट कर दे रहा हूँ कह सकते हो आप। ACPI एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक सपोर्ट होता है, AGP। APM एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट होता है। APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग होता है। आप लोग लिख भी रहे हैं, अगर लिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे ऐसे बोल के। ASIC का फुल फॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट होता है। एक ASCII भी होता है, डू यू नो अबाउट ASCII? ASCII नो, नॉट अ मूवी, ASCII मूवी बारे में बोल रहा हूँ। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII इट मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज ASCII। ASCII क्या होता है? कोडिंग स्कीम होता है मेरे दोस्त। क्या होता है मेरे भाई? कोडिंग स्कीम होता है, ठीक है। और ASIC अलग होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ओके, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, सॉरी लेयरिंग है, कंप्यूटर एडेड लेयरिंग है। अरे लवली जी भी आ गई, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, वेरी गुड। आज लग रहा है लोग छुट्टी मना रहे हैं, कहीं जहां बिजी होंगे आज वहां से फ्री फ्री होके आज यहाँ आ गए हैं। लोग जब फ्री होते हैं तो क्लास में आते हैं, ऐसा है। CAL कंप्यूटर एडेड लेयरिंग, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, वेरी गुड। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मतलब GPU होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म कोई बात नहीं, लेट चलता रहता है, बस आप चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। GPS मतलब समझते हो क्या होता है? GPS टेक्नोलॉजी आप लोग देखते होंगे आजकल, फोर व्हीलर वगैरह कार वगैरह आपका, आपके पास है तो उसमें भी GPS टेक्नोलॉजी लगी होती है, आपके स्मार्टफोन में भी खैर चीजें होती हैं कि आप GPS अपना ऑन कर देते हो, आप जहाँ जा अपना एक एड्रेस सेट कर देते हो, जहाँ जाना होता है GPS ऑन कर देते हो, तो वो आपको पूरे एड्रेस को, आपका रूट बताते हुए चलता है आपको,
और फाइनली आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा देता है। अब वो अलग बात है कि शॉर्टकट के चक्कर में कोई एक बार ऐसे हुआ था कि जीपीएस ऑन करके कहीं जा रहे थे, प्रयागराज जा रहे थे, हम जीपीएस ऑन किए थे और कहीं ट्रैफिक, एक ट्रैफिक था मेन रोड पे, तो हम लोगों ने कहा लो शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में खेत में पहुंचा दिया वो, खेत खेत में हम लोगों ने कार थी, हमें बताओ। तो ये भी होता है, जीपीएस ऐसे भी चलता है कि मतलब शॉर्टकट के चक्कर में इसकी पीडीएफ तो अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि बना बनाया सबको अच्छा लगता है, धीरे से ने बना के रखा है, दे देंगे खा लेंगे हम आराम से हैं। कोई बात नहीं, पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, क्या है परेशान, पीडीएफ नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ। आज आज का दिन, आज छुट्टी दिवाली है मतलब, है लग रहा है। चलिए आगे बढ़े, जीपीआरएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा, कोई बताएगा मुझे जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीआरएस का फुल फॉर्म। अस्कंद पांडे जी बताइए, आप बताइए जीपीआरएस का फुल फॉर्म, देखता हूँ टेस्ट करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ आप लोगों का। बहुत यूज किया होगा, क्या बात, वेरी गुड, जनरल पैकेट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, बिल्कुल सही आंसर है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एग्जैक्टली जीपीआरएस। ठीक है, सीडीएमए का भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अच्छा अब देखो सीडीएमए से मुझे याद है, आपने कहा सर सीडीएमए, सीडीएमए का फुल फॉर्म, टीडीएमए का फुल फॉर्म, एफडीएमए का फुल फॉर्म, सारा पता होना चाहिए। सीडीएमए का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, टीडीएमए का फुल फॉर्म टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, एफडीएमए का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, फ्रीक्वेंसी। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए, कोड डिवीजन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टीडीएमए, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एफडीएमए, है ना। एक सीडीएमए का फुल फॉर्म और होता है दोस्तों, है ना। कल तो चलो किरण मैडम अकेले क्लास कर रही थी, तो जब मैं बोलता था बताइए आप लोग, तो किरण मैडम जी कह रहे थे कि सर आप लोग नहीं केवल हम ही है। अच्छा आदत बन गया है ना, आदत पड़ गया बोलते बोलते, आप लोग बताइए आप लोग बताइए, तो अगर कोई एक भी क्लास करता है तो भी निकलता है, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। ये फीलिंग ही नहीं रहता कि अकेले कोई क्लास कर रहा होगा। खैर तो सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अलावा आप लोग बताएंगे। सीडीएमए का फुल फॉर्म नहीं, सीएसएमए एक्चुअली होता है, नहीं, मल्टीप्लेक्सर नहीं, वो होता है एक्चुअली इसी से मिला होता है, मैं बोल दे रहा हूँ सीडीएमए नहीं, सीएसएमए सीडी होता है एक्चुअली, सीएसएमए सीडी होता है, नहीं, वो सीडीएमए का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, एक ही फुल फॉर्म होता है, देखो दिमाग में चल रहा था, सीएसएमए होता है एक्चुअली, सीएसएमए सीडीएमए नहीं, सीएसएमए और सीडी होता है, ये होता है फुल फॉर्म। तो सीडी, ये जो सीडी मैंने यहाँ पे लिखा है ये अलग, सीडी का मतलब होता है ना कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन होता है, पता नहीं क्या कोलिजन डिटेक्शन। और ये सीएसएमए का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस, CARRIER, कैरियर होता है ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन, ये सीडी होता है, सीएसएमए सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, कोलिजन मतलब पता है क्या होता है, कोलिजन मतलब ने बताया था, कोलिजन का मतलब होता है ना, जैसे आप जब कहीं जाते हो, आपने देखा होगा, तो जैसे ट्रैफिक में आप फंस कहीं फंस जाते हो, तो ट्रैफिक में क्या होता है कि बहुत सारी जो गाड़ियां होती है वो आपस में टकराने की संभावना इनकी रहती है, मतलब लड़ने की, है ना, भीड़ होता है, भीड़ भाड़ में भाई गाड़ी टकरा सकती है, तो उसे कहते हैं ना कोलिजन कर गया, ऐसे आपका डेटा जो होता है ना ट्रैफिक होने की वजह से डेटा होता है ये भी टकरा सकता है, तो टकराने को यहाँ कोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाइट, और कोलाइट मतलब कोलिजन करना, कला, डेटा के अंदर कला होता है, वो होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ चलिए आगे, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म, फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसको जॉन बेकर्स ने आईबीएम के साथ मिलकर 1950 में डेवलप किया था, है ना? LTE का फुल फॉर्म क्या होता है स्कंद पांडे जी? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है, पता है आपको? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और VE, अच्छा आप लोग फोन यूज करते हो, फोन में आपने देखा होगा LTE और चलिए ध्यान दीजिएगा, LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, क्या यार, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है ना? और वी, अगर आगे वी लग गया, वी वोल्टी होता है ना, वोल्टी, VOLTE, तो वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है, वो होता है वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, क्या होता है? वाइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है? आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला था, साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल अटैचमेंट केबल, और पाटा का पैरेलल अटैचमेंट होता है, साटा सीरियल अटैचमेंट होता है, पाटा पैरेलल अटैचमेंट होता है, ठीक है? अलगोल, हाँ, तो ये फॉर्ट्रान जो था दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज था, ये दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज था, दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज था, इसका नाम फॉर्ट्रान, ठीक है? अलगोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपका होता है, ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसका फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोबोल दुनिया का पहला कमर्शियल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म होता है, 1960 में आया था। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसको जॉन जी कैमनी और थॉमस डॉर्मॉउथ ने मिलकर 1964 में डेवलप किया था। बेसिक, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनको आप जरूर नोट याद रखिएगा, नोट करने के साथ साथ आपको याद भी रखना है, ठीक है? आगे दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, JSP जावा सर्वर पेज, ASP एक्टिव सर्वर पेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपके फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? हाँ जी, 11 दिसंबर को है, मैं दूसरे स्टेट से हूँ और बाय मिस्टेक यूपीएससी के फॉर्म में OBC डाल दिया है, सर प्लीज टेल मी क्या।
ठीक है। आगे दोस्तों, बस फुल फॉर्म आएगा, जितना बता रहा हूं उतना काफी है आपके लिए, ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना काफी है दोस्तों आपके लिए। हाँ, जेपी इजी फाइल एक्सटेंशन नेम, जेपी इजी फाइल एक्सटेंशन नेम दोस्तों, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है। बाकी फुल फॉर्म्स का एक मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, है ना, फुल फॉर्म का लिस्ट जितना भी है और फुल फॉर्म से वो दे दूंगा मैं। तो यार डीप में क्या आएगा, फुल फॉर्म ही आएगा केवल, ठीक है। ओके, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF टैग्ड इमेज फाइल, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये कुछ इमेज एक्सटेंशन नेम है दोस्तों। क्या है ये, आपका इमेज एक्सटेंशन नेम है, इसे आप बोलते हो ना इमेज एक्सटेंशन नेम। तो .jpg, और भी कुछ नाम, जैसे आप GIF हो गया, JPG हो गया, BMP का नाम सुना होगा आपने, BMP का नाम सुना होगा आपने, BMP, BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर होता है। क्या होता है, बिट मैप पिक्चर होता है BMP। ये भी आपका जो है फाइल फॉर्मेट होता है ना, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। फाइल एक्सटेंशन नेम का मतलब जो उस फाइल के टाइप को डिनोट करता है वो फाइल एक्सटेंशन नेम कहलाता है। आज के टॉपिक में यही है क्या सर, आज के टॉपिक में फुल फॉर्म, फाइल एक्सटेंशन नेम और शॉर्टकट कीज है। आज के टॉपिक में फुल फॉर्म्स, एक्सटेंशन नेम्स एंड शॉर्टकट कीज है, ठीक है। WMA दोस्तों क्या होता है, WMA आपका विंडो मीडिया ऑडियो फाइल होता है। .RA क्या होता है, रियल ऑडियो फाइल होता है, मतलब ये ऑडियो एक्सटेंशन नेम होता है एक्चुअली में, जो हम लोग बोलते हैं ऑडियो। और .SWA क्या होता है, शॉक वेव ऑडियो फाइल होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, शॉक वेव ऑडियो फाइल, .SWA, .RA, मतलब हो सकता है आपके लिए नया हो ये, क्योंकि नॉर्मली आप लोग JPG से, ये इमेज फाइल एक्सटेंशन नेम से आप अवेयर होते हैं, आप वीडियो के फाइल फॉर्मेट से अवेयर होते हैं, लेकिन ऑडियो के फाइल फॉर्मेट से आप अवेयर नहीं होते हैं, है ना। तो WMA आप कोई रिकॉर्डिंग करो, देखो आपका जो सेव होता है आपके WMA, तो खैर विंडो मीडिया ऑडियो फाइल होता है। आप ट्राई करो अभी अपने फोन में कुछ रिकॉर्डिंग करना ऑडियो, उसको सेव करना, सेव हो जाएगा, देखना किस फाइल फॉर्मेट में वो सेव हो रहा है आपका, है ना। तो ये चीजें होती हैं आपकी, तो ये एक्सटेंशन नेम आपका होता है फिलहाल। आगे वीडियो एक्सटेंशन नेम, जैसे आपका इमेज एक्सटेंशन नेम होता है वैसे आपका वीडियो एक्सटेंशन नेम भी होता है। .mpeg मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, हालांकि मोशन ना कह के आप मूविंग कह दीजिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। .flv फ्लैश वीडियो होता है। .3gp थर्ड द मोस्ट कॉमन वीडियो फॉर्मेट फॉर सेलफोन्स, सेलफोन जो पहले के आते थे, हालांकि 3gp का आप तो आप जो है SD क्वालिटी यूज करते हो, QHD यूज करते हो, हाई डेफिनेशन जिसे आप बोलते हो, आप उसका प्रयोग करते हो, तो ये सब तो पहले यूज होते थे, 3GP थर्ड जनरेशन के थे। .AVI, AVI कई बार पूछा गया है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये कई बार आया है फुल एग्जाम में कि AVI का फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और पूछ सकता है कौन सा एक्सटेंशन है, किस प्रकार का एक्सटेंशन है। .AVI एक ऑडियो वीडियो एक्सटेंशन नेम है। हाँ, लवली जी कह रही है कैसे कंप्लीट होगा समझ में नहीं आ रहा है, परेशान मत हो, आराम से पढ़ाई करो, अभी आपके पास टाइम है 1 महीने के आसपास, ठीक है, तो मेहनत करो, हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। टाइपिंग में विशेष करके ध्यान दो, टाइपिंग भी करते रहो, ठीक है। .html आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। .xml आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। .asp आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज होता है। और .jsp आपका जावा सर्वर पेज होता है। तो ये वेब एक्सटेंशन नेम होते हैं। वेब मतलब जो आप नेट पे काम करते हो, वेब पे काम करते हो। वेब मतलब क्या होता है, वेब मतलब नेट ही तो होता है, वेब मतलब इंटरनेट की बात कर रहा है वो, है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
देखो किसी भी चीज को लेके ना पैनिक नहीं होते हैं। आप ये सोच रहे हो कि मेरा तैयार नहीं है, ये नहीं, अभी पर समय है ना, अभी ये सोचोगे तो इसी में आपका वक्त गुजर जाएगा, ये सोचने में वक्त गुजर जाएगा, अरे यार क्या कर, तैयार नहीं, बिल्कुल जो मिल रहा है पढ़ाई करो, सीक्वेंस से पढ़ाई करो, एक सीरीज वाइज जो आपका चल रहा है, सीरीज मतलब ये नहीं कूद कूद की पढ़ो, जैसे अभी ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया परसों पढ़ना ना ना। जैसे अभी आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो जीएस में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, टाइम रख लो, इतने टाइम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतने टाइम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इतने टाइम पॉलिटी पढ़ेंगे, इतने टाइम इकोनॉमी पढ़ेंगे, इतने टाइम कंप्यूटर पढ़ेंगे, इतने टाइम स्टेट जीके पढ़ेंगे, चूंकि स्टेट जीके भी आएगा, पता है स्टेट जीके करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा हो, करंट अफेयर की वेटेज कहीं ना कहीं आयोग जो एग्जाम कराता है, यूपीपीएससी कराता है, यूपी ट्रिपल एससी जो कराता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट खैर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो ये भी एक अच्छी जॉब है, रुतबे वाली जॉब है, ठीक है। ओके, एक्सटेंशन फाइल नेम है .bmp, बिट मैप पिक्चर होता है, .sys सिस्टम फाइल होता है, मतलब यहाँ पे ना आपको एक्सटेंशन नेम याद रखना है और किस लिए यूज होता है ये भी याद रखना है। मैडम करंट अफेयर आप देखो, वैसे तो लोग 6-7 महीने पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 1 साल का आप पूरा कवर कर लो, 1 साल का ना अच्छे से कवर कर लो करंट अफेयर, ठीक है। हाँ वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। .pdf सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप पीडीएफ सबसे मोस्ट कह सकते हो जो यूज होता है, आप लोग यूज करते, कोई भी बात होती है, सर ये मुझे पीडीएफ नोट्स दे देना, सर अभी किसी ने, अभी मैडम ने कहा था सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना, तो पीडीएफ मतलब बड़ा कॉमन वे है ना बात करने, कोई भी ईमेल फाइल फॉर्मेट हो गया सर पीडीएफ दे दीजिए, मतलब दैट इज यू यू वांट सॉफ्ट कॉपी, इन इन सॉफ्ट कॉपी आप सॉफ्ट कॉपी में चाहते हो ना उसे, तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब पीडीएफ हो गया भाई, बड़ा कंटेंट है, बड़ा मैटर है, तो पीडीएफ में होता है, अदरवाइज जेपीजी हो जाता है। जैसे मैं डेली करंट अफेयर भेजता हूँ, तो मैं डेली करंट अफेयर जो भेजता हूँ वो एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, और जेपीजी भेजता हूँ, जेपीजी फॉर्मेट होता है वो मेरा जो मैं भेजता हूँ, मैं चाहूँ पीडीएफ में भेज सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा मैटर है नहीं कि पीडीएफ में भेजूँ मैं उसे, ठीक है। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, टॉरेंट बिट टॉरेंट फाइल होती है, रार जो होती है रार कंप्रेस्ड फाइल होती है, जिप जो होती है एक्सटेंडेड जिप फाइल होती है, ईएक्सई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और आप लोग ये देखिए, आप लोग जब भी ना वो न्यूज देखते होंगे तो न्यूज में अभी आप न्यूज खोलेंगे तो आपको अयोध्या दिखाई देगा, अयोध्या ही छाया होगा न्यूज में, क्योंकि अयोध्या की दिवाली सबसे बेस्ट होती है, पिछले वर्ष योगी जी आए हैं 2017 की बात से, और हर बार योगी जी आते हैं दिवाली, और हर बार हम भी जाते हैं वहाँ, मतलब बगल में ही है, तो हर बार हम भी वहाँ जाते हैं सेलिब्रेट करने। आज छुट्टी दिवाली है, दीपोत्सव का प्रोग्राम होता है हमारे अयोध्या में, एक दिन दिवाली से पहले ना दीपोत्सव होता है। वर्ल्ड कप हार गए, दिवाली फीकी फीकी, यार देखो क्या कर सकते हो, वर्ल्ड कप है ना, टीम सिलेक्शन सही नहीं यार, मतलब पता नहीं क्या टीम सिलेक्शन है, मतलब कितना क्या बताएं, छोड़ो। अच्छा टॉरेंट फाइल क्या होता है, अरे पगले, टॉरेंट फाइल जो आप ट्रांसफर करते हो ना, जब आप देखो क्या है कि आप फाइल को ना कॉपी करते हो, या बड़ी फाइलें होती हैं उसको आप कंप्रेस करते हो, जब बड़ी फाइलें जो होती है उसको कंप्रेस करते हो आप, तो टॉरेंट फाइल का यूज करते हो, तो जो फाइल फॉर्मेट बनता है वो टॉरेंट होता है, बिट बिट टॉरेंट फाइल होता है, वैसे ही आपका रार भी होता है कंप्रेस्ड वाला, मतलब अलग अलग जब बड़ी साइज होती है तो उसको आप कंप्रेस करते हो, कम करते हो साइज को, टॉरेंट रार जिप के माध्यम से आप कर सकते हो, तो ये फाइल फॉर्मेट होता है आपका। exe मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो फिर वो exe होता है। वर्ल्ड कप हारने का बस मेन रीजन था, वर्ल्ड कप हारने का बस एक मेन रीजन था, सिलेक्शन सही नहीं था, टीम सिलेक्शन वास्तव में सही नहीं था, पांड्या अनफिट है, पांड्या को ले रहे हैं। हाँ जी कोई बात नहीं, दिमाग में जंग लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोज सुबह मेडिटेशन किया करो, और ना हो तो किरण तिवारी से संपर्क कर लीजिए, ठीक है।
हम लोग तो देखते नहीं है, हम लोग मतलब क्या, मतलब आसपास के पड़ोसी लोग भी क्या, मतलब हम लोग मतलब क्या। हम एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है वो डॉट डीओसी होता है। एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है डॉट डीओसी होता है, और नया वाला जो है वो डॉट डीओसी एक्स है, ठीक है, डॉट डीओसी एक्स है। एमएस एक्सेल डॉट एक्सएलएस होता है, लेकिन नया वाला जो है वो डॉट एक्सएलएस एक्स है। नया वाले का मतलब 2007 के बाद का जो वर्जन है, 2007 के बाद का जो वर्जन है उसके बारे में बोल रहा हूँ। पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी होता है, लेकिन डॉट 2007 के बाद का जो वर्जन है डॉट पीपीटी एक्स है। तो अब खास करके ये देखना है आपको कि जो वर्जन वर्जन अगर पूछेगा तो आपको नया देना है, अगर पुराना पूछेगा तो पुराना देना है, और कुछ नहीं पूछेगा वर्जन तो आपको नया बाई डिफॉल्ट देना है नया। आउटलुक का आपका जो होता है दोस्तों वो डॉट पीएसटी होता है। आउटलुक का क्या होता है मेरे दोस्त, डॉट पीएसटी होता है। एक्सेस का डॉट एमडीबी होता है। पेंट का डॉट बीएमपी होता है। बीएमपी का फुल फॉर्म बिट मैप पिक्चर होता है, मैंने बताया था बिट मैप पिक्चर होता है, बिट मैप पिक्चर होता है, ठीक है। एडोब रीडर का पीडीएफ डॉट पीडीएफ होता है, एडोब पीडीएफ रीडर का। एडोब फोटोशॉप का डॉट पीएसडी होता है। नोटपैड का डॉट टीएक्सटी होता है। वर्ल्ड पैड का डॉट आरटीएफ होता है। टेम्परेरी फाइल का डॉट टीएमपी होता है। कोरल ड्रा का डॉट सीडीआर होता है। बैकअप फाइल का डॉट बीएके होता है, डॉट बीएके। तो ये कुछ फाइल एक्सटेंशन नेम है। इनके साथ साथ इनका फुल फॉर्म दो चीजें हैं यहाँ पे, आप दो तीन चीजें पढ़ रहे हो, फाइल एक्सटेंशन नेम भी आप देख रहे हो और आप साथ साथ उसका उसका फुल फॉर्म भी आप देख रहे हो, ठीक है। और बताइए आगे बढ़े, कंट्रोल एन शॉर्टकट की दोस्तों, ये सब पता है ना शॉर्टकट कीज, कंट्रोल एन का न्यू होता है ना, कंट्रोल ओ का ओपन होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस का सेव करने के लिए आप यूज करते हो, है ना। कंट्रोल आपका जो F12 होता है सेव एज के लिए यूज करते हो, सेव एज के लिए, है ना। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए यूज करते हो, सब पता है ना आप लोगों को, पता है। आगे बढ़ूं, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हो। आज जितना चल रहा है यहां से एक दो नंबर क्वेश्चन फंसेगा पक्का बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट कीज फुल फॉर्म्स और फाइल एक्सटेंशन नेम से क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एग्जाम में। कंट्रोल W क्लोज होता है, Alt F4 क्लोज ऑल होता है, ये क्लोज करंट विंडो है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब क्लोज करंट विंडो, करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू यूज करते हैं, ठीक है। और अल्ट प्लस F4 का मतलब एग्जिट फ्रॉम ऑल विंडो होता है। कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, है ना। फॉन्ट के लिए कंट्रोल डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, शॉर्टकट कीज में मोस्ट ऑफ द चांसेस है इसके आने के। फॉन्ट का शॉर्टकट की बता दीजिए, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो हालांकि सबसे ज्यादा यही आता है, कंट्रोल प्लस डी से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, ठीक है। फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाने, 1 पॉइंट कम करने का शॉर्टकट की, बढ़ाने और कम करने का। नेक्स्ट टू प्रीवियस का शॉर्टकट की, तो नेक्स्ट टू प्रीवियस का शॉर्टकट की। और फॉन्ट साइज कंट्रोल का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, आपके पास विंडो आ जाएगा फॉन्ट साइज कंट्रोल का, ठीक है। ये आपका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल यू, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का शॉर्टकट की।
सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, यू नो अबाउट सुपर स्क्रिप्ट? बिल्कुल, वेरी गुड। सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपने 25,252 लिखा, आपने दो को सेलेक्ट कर लिया, दो को सेलेक्ट करके आपने शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के साथ प्लस कर दिया, तो आपका ये 25 पावर में आ जाएगा। मतलब ये पावर में आ जाएगा मतलब स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका, 25 स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, वही चीज बताया गया। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का मतलब बेस होता है, जो बेस में आ जाएगा, ठीक है, बेस में आ जाएगा, और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इक्वल हो जाएगा। चार प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर अलाइनमेंट्स। देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट्स, सेंटर अलाइनमेंट्स, जस्टिफाई अलाइनमेंट्स, राइट अलाइनमेंट्स, ठीक है। इंडेंट, इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज, मतलब वही पैराग्राफ को आगे करना, पैराग्राफ को पीछे पीछे करना, तो इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज का आप यूज करते हो, ठीक है। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड मतलब कंट्रोल एफ, रिप्लेस मतलब कंट्रोल एच, और गो टू मतलब कंट्रोल जी। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस इंटर का मतलब आपका पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हाइपरलिंक मतलब कंट्रोल प्लस के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और हाइपरलिंक का मतलब पता है ना, जब एक आप लिंक को क्लिक करते हो तो उस लिंक के अंदर भी लिंक होता है, टेक्स्ट होता है ना। या सर ये क्या है, एक बेस, ओके। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की F7 होता है, स्पेलिंग चेक करने का F7 होता है। थिजारस टूल का मतलब सिनोनिम्स का, पर्यायवाची का जो शॉर्टकट की होता है Shift plus F7 होता है। स्प्लिट करने का, दो विंडो को स्प्लिट करने का शॉर्टकट की आपका जो होता है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट की, फाइल शॉर्टकट की एंड फाइल एक्सटेंशन नेम। F2 का शॉर्टकट की एडिट द सिलेक्टेड सेल। F4 का शॉर्टकट की रिपीट द लास्ट एक्शन, मतलब अंडू कह सकते हो आप। F5 का शॉर्टकट की गो टू द स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल C6, किसी भी स्पेसिफिक सेल पे जाने के लिए आप गो टू का यू F5 का यूज करते हो। F7 का यूज स्पेलिंग चेक करने के लिए। F11, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो मेरे सामने से क्वेश्चंस कई बार गुजरे हैं, मैंने देखा है कि एग्जाम में आया वो। F11 क्रिएट द चार्ट, चार्ट फॉर फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, पूछा आता है कि एक्सेल में चार्ट को बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F11 होता है। इंटर करंट टाइम, करंट टाइम को ओपन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होता है। एक्सेल में करंट टाइम को ओपन करना होगा, ठीक है, और करंट डेट को ओपन करने का शॉर्टकट की, करंट डेट को लाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। नया वर्कशीट अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है, अगर आपको नया वर्कशीट इंसर्ट करना है ना। शिफ्ट प्लस F3 का शॉर्टकट की आप यूज करते हो ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, ठीक है, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हो। शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स के लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हो। कंट्रोल ए का सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए का मतलब आपका सेलेक्ट ऑल होता है ना। ओके, और कंट्रोल बी का मतलब बोल्ड, कंट्रोल आई का मतलब अंडरलाइन, आई का मतलब इटैलिक, के का मतलब हाइपरलिंक, यू का मतलब अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस वन का मतलब चेंज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड सेल, सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस वन। हालांकि इसका PDF मिल ही जाएगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, वर्क थ्रू कर लीजिए इस पे। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जैसे आपने मान लीजिए मैंने लिखा किरण, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा किरण, ठीक है, किरण। बहुत पहले ना बचपन में एक सीरियल आता था किरण नाम का, पता है आपको, किरण नाम का एक सीरियल आता था DD1 पे। सर शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स तो बहुत हो जा रहा है यार, हो जा रहा है तो यार क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हो। अब जैसे मैंने किरण लिखा, किरण किरण लिखा मैंने सामने, ठीक है, पहले एक सीरियल आता था किरण। अब किरण को आपने बीच से ऐसे कर दिया, बीच से, तो आपने जब बीच से ऐसे किया ना, ये आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू,
ठीक है यार। देखो पढ़ना, आप कंप्यूटर तो चलो ठीक है, इतना ज्यादा है ठीक है, लेकिन आप सोचो जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कितना पढ़ रहे होंगे, सब याद है आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में, वही तो क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन भी तो आएगा। भैया देखो एग्जाम को क्रैक करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आप सोचो बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, इतना आसान नहीं एग्जाम को क्रैक करना। हम लोग सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, किसी सब्जेक्ट से मान लीजिए हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, हम जीए पढ़ाते हैं, हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट पे मेरा कमांड है, मतलब उसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट होता है ना, जो एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता है, वो मैथ भी पढ़ रहा है, वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, वो हिंदी भी पढ़ रहा है, वो रीजनिंग भी पढ़ रहा है, वो जीएस भी पढ़ रहा है, तो कंपटीटर वही होता है ना जो सारा सब्जेक्ट पढ़ रहा हो और सीरियस होकर तैयारी कर रहा हो, अपने एग्जाम को टारगेट बना रहा हो। मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, ऐसे नहीं मानते हैं, ऐसे मत बोलो। अभी आपके पास टाइम है 1 महीने, और 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। अब अगर समय कम है तो स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, दैट्स इट। अगर समय कम है तो एक स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है, स्ट्रेटेजी आप वॉशरूम भी जाएं तब भी आप हाथ में पेपर लेके जाएं, मतलब लगा ले अपने वॉशरूम में, वो चिपका ले, वो फॉर्मूला चिपका लें, वो चिपका लें, क्या नाम है, मतलब ईयर, अगर आपको दिक्कत होती है हिस्ट्री में पढ़ने को, तो ईयर आप प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, बैटल ऑफ किसके बीच हुआ, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस वहां से भी, एक ना क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हिस्ट्री से भी, इकोनॉमी से क्वेश्चंस, करंट अफेयर लगा लो आप, डे लगा लो आप, पर्टिकुलर डे को क्या मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग डे को आप पूरा लिस्ट कर लो, जनवरी का लगा लो, फिर आप फेब का लगा लो, वो भी सब नहीं इम्पोर्टेंट, केवल से आपने कहा सर शॉर्टकट की फुल फॉर्म तो बहुत है, ऐसे तो सोचो डे से क्वेश्चन, एक तो पक्का डे से क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी कोई मैंने एग्जाम दिया था, उसमें पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और कौन सा एग्जाम दिया था मैंने, पीसीएस का एग्जाम, अभी मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया था संडे, उसमें आता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताओ आप लोग ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कि अगर अगर आपको तैयार है, देखता हूँ कितना तैयार है। अब ऑप्शन नहीं दूंगा मैं ऑप्शन नहीं लेता हूँ मैं, अगर याद, अगर देखो याद है तो आप कर ले जाओगे बिना ऑप्शन के। 16 सितंबर को मनाया जाता है पगले, कुछ चीजें तो कंफर्म है, ओजोन दिवस, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, कुछ दिवस तो पर्यावरण दिवस, बायोडायवर्सिटी डे, कुछ डे तो फिक्स है जो आएगा ही आएगा, देख लेना। ठीक है, अरे लेबर डे जो मनाया जाता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, किसने पूछा है, किरण तिवारी जी ने पूछा है, लेबर डे कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना, गलत हूं क्या मैं गलत हूं या सही हूं ये बताइए, लेबर डे थोड़ा बहुत पता हमको भी है, हमें पता है ना 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, ठीक है, अपना बर्थडे नहीं याद रहता है, इतने सारे डे कैसे याद रखूं। ये सही है, ये जवाब सही था यार, अपना बर्थडे नहीं याद रहता है, इतना डे काहे को याद रखूं, सही बात है। चलो ठीक है यार। आगे चलो, इसका आंसर दो आप लोग, अच्छा बहुत हो गया, आंसर दीजिए इसका, व्हाट इज शॉर्टकट, शॉर्टकट ऑफ डेट, डेट का शॉर्टकट क्या होता है। हाँ लेकिन अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बाबू याद करना पड़ेगा, क्या करोगे। डेट का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, वेरी गुड, क्या बात है स्कंद पांडे जी, वेरी गुड, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। और टाइम का क्या होता है पता है? टाइम का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, ये टाइम का होता है। ठीक है, हाउ मेनी रोज इन एक्सेल, एक्सेल में कितने रो होते हैं फटाफट बताइए। दस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ छिहत्तर होते हैं बाबू, 10,48,576 रो होते हैं। और अगर पुराना वर्जन पूछता, पुराना वर्जन 65,536 रो होते हैं। कॉलम पुराने वाले में 256 होता है और नए वाले में जो कॉलम होता है 16,384 होता है। देखो मुझे याद है ना, वैसे आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, 10,48,576। अगला, ऑल फॉर्मूला स्टार्ट विद एक्सेल इन विच साइन, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस साइन से स्टार्ट होता है? एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस साइन से स्टार्ट होता है? वेरी गुड, इक्वल से स्टार्ट होता है। वेरी गुड, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल 2007? 2007 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? देखो नया वर्जन 2000 ये है, अगर 2003 की बात करें या पुराने वर्जन की बात करें 1998 की, तो आपका डॉट एक्सएलएस है। ठीक है, नया वर्जन ये है। सारे रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? इंटायर रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? रो को सिलेक्ट करने का रो को सिलेक्ट करने का शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है रो को सिलेक्ट करने का। ठीक है, ठीक है, चलिए कंट्रोल एम, नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का यूज करते हैं, नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, ये एमएस पावर पॉइंट में न्यू के लिए एन नहीं करते हैं, यहाँ पे एम करते हैं न्यू के लिए पावर पॉइंट में, वो एमएस वर्ड और एक्सेल में एन यूज करते हैं न्यू के लिए, थोड़ा ध्यान देना ये चीज, आप गलती मत करना। एमएस वर्ड में नया पावर पॉइंट, नया स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल एम का यूज करते हैं। कितने व्यू होते हैं पावर पॉइंट में पता है? 6 व्यू होते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है नया पावर पॉइंट इंसर्ट करने का, नया पीपीटी लाने का शॉर्टकट की क्या होता है? अब कई लोग कंट्रोल एन करेंगे लेकिन कंट्रोल एन नहीं होता, मैंने पहले बोल दिया, कंट्रोल एम ही होगा दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल एन नहीं होता है, गलती मत करना। हाँ, ये कुछ शॉर्टकट फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे मैं जब मुलाकात मुलाकात क्या, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको इसको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बताइए और कुछ पूछना हो आप लोगों को, आप लोगों का और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो जो आपको पूछना हो। नो सर, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका फाइनली कंप्लीट होता है फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, और आपका फाइल एक्सटेंशन नेम, ये कुछ था। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर तो पक्के हैं आपके एग्जाम में, तो जानता हूं मैं, 2 नंबर क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, हैप्पी छोटी दिवाली आपको भी मैडम, बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन रात
दिन दूनी रात लाख गुनी तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ठीक है, बस बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू लवली मैम, थैंक यू गाइज।